हेलो फ्रेंड्स, जावा सिंह की सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम नल लेआउट को देखेंगे और नल लेआउट सीखेंगे कि नल लेआउट का कैसे यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में लेआउट मैनेजर्स के बारे में बताया था, एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कि लेआउट हम उसे कहते हैं, मतलब अगर हमें अपने फ्रेम के अंदर चाइल्ड एलिमेंट्स को, चाइल्ड कंपोनेंट्स को किसी वे में अरेंज करना है, तो उस वे को हम उस अरेंजमेंट को हम लेआउट कहते हैं। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि द अरेंजमेंट ऑफ द कंपोनेंट्स इनसाइड अ कंटेनर इज़ कॉल्ड लेआउट। मतलब कंपोनेंट के अरेंजमेंट जो होता है उसे हम लेआउट कहते हैं, ठीक है। और इस ये है, यहाँ आप देख सकते हैं कुछ लेआउट दिए हुए हैं। ये हमने पिछली वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखते हैं नल लेआउट। और तो नल लेआउट क्या होता है दोस्तों? नल लेआउट का मतलब है कि हम किसी भी लेआउट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, और हम किसी भी लेआउट का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो चाइल्ड कंपोनेंट हैं उनकी पोजीशन और साइज़ हमें खुद से डिसाइड करना है, ठीक है। उसकी पोजीशन और साइज़ को हमें खुद डिसाइड करना है, कहाँ हमें किस एलिमेंट को रखना है। तो चलिए आपको इसका एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये रहा। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 5 बटन लिए हुए हैं और इसके पोजीशन और साइज़ मैंने खुद डिसाइड किया हुआ है। तो नल लेआउट में ये कैसे होगा कि अगर आप क्योंकि आप जानते हैं कि ये मैंने खुद डिसाइड किया है, तो अगर मैं इसको रिसाइज करूँगा, इसकी स्क्रीन को रिसाइज करूँगा, तो स्क्रीन को रिसाइज करने पर इसकी पोजीशन, इन बटन्स की पोजीशन और साइज़ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं मैं इसको चाहे छोटा करूं या बड़ा करूं, लेकिन इसका साइज़ और पोजीशन फिक्स है। चाहे मैं इसको फुल स्क्रीन पर ले आऊं तब भी ये फिक्स है। मतलब ये इसकी जो पोजीशन और साइज़ है, ये टॉप लेफ़्ट कॉर्नर इधर से डिसाइड होती है, ठीक है, इधर से डिसाइड होती है। तो इस तरह से ये नल लेआउट में जो भी आप कंपोनेंट यूज़ करते हैं तो उसकी पोजीशन और साइज़ फिक्स होता है। तो जब भी आपको एलिमेंट्स को इस तरह से इस वे में अरेंज करना है कि उसकी पोजीशन और साइज़ फिक्स रहे, जब भी आपको फिक्स पोजीशन और साइज़ करने हैं, तो उस सिचुएशन में आप नल लेआउट का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। तो मैं यहाँ इसे क्लोज़ करता हूँ और चलते हैं अपने एक्लिप्स में। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एक क्लास बना ली है नल लेआउट एग्जांपल के नाम से, और उसके अंदर मैंने एक फ्रेम बनाया हुआ है, ये रहा। इसे मैं एक बार आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, 5 बटन लेते हैं और उसे जैसा हमने एग्जांपल में देखा था इस तरह से डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ 4 5 बटन ले लेता हूँ। जे बटन बी वन इज इक्वल टू न्यू जे बटन, और इसका नेम दे देता हूँ मैं बटन 1, ठीक है। इसी तरह से इसकी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और 5 बार 5 बटन बना लेता हूँ मैं। इसके भी टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ 2 3 4 5, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हमने 5 बटन बना लिए हैं, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि क्योंकि हमें नल लेआउट का यूज़ करना है, तो उस सिचुएशन में हमें इसकी सभी बटन इसकी साइज़ और पोजीशन सेट करनी है। इसका मतलब मैं दोनों को एक साथ सेट कर सकता हूँ सेट बाउंड मेथड से। तो B1 डॉट सेट बाउंड्स, और ये मैं चाहता हूँ कि टॉप से रहे, ये लेफ्ट से इसकी पोजीशन रहे 20 पिक्सल, टॉप से रहे 20 पिक्सल, एंड इसकी विड्थ रहे 80 पिक्सल, एंड हाइट रहे 30 पिक्सल, ठीक है। इसी तरह से मैं सबकी कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, कॉपी कर दी। सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला एंड फिफ्थ वाला। तो सेकंड वाले में मैं क्या करता हूँ, इसकी जो लेफ़्ट से पोजीशन है सेकंड वाले की, मतलब पहला वाला इधर आएगा और दूसरा वाला उसी के राइट साइड में आएगा, तो उसकी पोजीशन हमने 120 दे देता हूँ, थर्ड वाले की 220 दे देता हूँ। नेक्स्ट ये 3 बटन हो जाएंगे, तो 3 एक रो में और नेक्स्ट 2 सेकेंड रो में। तो सेकेंड रो के लिए क्या करता हूँ मैं, सेकेंड रो के लिए इसकी पोजीशन 100 कर देता हूँ। तो ये टॉप से 100 हो जाएगा, मतलब पहला वाला जो पहले 3 है वो टॉप से 20 थे और
नेक्स्ट 100 हो जाएगा। तो पहले 3 ऊपर और उसके 3 उसके 2 नीचे, ठीक है। तो पहले वाले के लिए 20 और सेकंड वाले के लिए 120, ठीक है। और इसकी इसकी भी टॉप से 100 हो जाएगी। तो इस तरह से इसकी पोजीशन हमने सेट कर दी। अभी हमें इसका लेआउट जो है उसे नल करना है, ठीक है। तो नल कर देते हैं, तो सी डॉट सेट लेआउट और यहाँ कर देंगे नल, ठीक है। तो हमने कंटेनर का जो लेआउट है वो उसको नल पर सेट कर दिया है, लेकिन अभी ये शो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमने इन बटन्स को हमने बना लिया है, उसकी पोजीशन सेट कर दिया है, लेकिन इसे हमने कंटेनर में ऐड नहीं किया है। तो ऐड कर देते हैं कंटेनर में, सी डॉट ऐड B1। इसी तरह से मैं इसे 5 बार प्रिंट कर देता हूँ, 2, 3, 4 एंड 5। तो चलिए एक बार हमारा प्रोग्राम तो बन चुका है, एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। तो अभी इसे चेक करते हैं। तो आपने देखा कि मैंने इसकी पोजीशन खुद से डिसाइड की है। नल लेआउट में हमें जो पोजीशन है कंपोनेंट्स की वो खुद से डिसाइड करनी पड़ती है। तो इसमें मैंने इसका साइज़ दिया था और पोजीशन दी थी। तो जो पोजीशन दी है सेम वही पोजीशन पर ये शो कर रहे हैं। अगर मैं अभी इसे इसकी साइज स्क्रीन को रिसाइज करूँगा तो इससे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं हम स्क्रीन को रिसाइज कर रहे हैं, लेकिन इसकी पोजीशन सेम है, ये उसी पोजीशन पर शो हो रहा है। अगर मैं इसे मैक्सिमाइज़ भी करता हूँ तब भी ये उसी पोजीशन पर है। टॉप से 20 एंड लेफ्ट से 20 इस कंपोनेंट का साइज़, अगर आप छोटा करेंगे तब भी इस कंपोनेंट का साइज़ वही रहेगा, ठीक है। और लोकेशन भी। तो नल लेआउट का यूज़ हम फिक्स पोजीशन के लिए करते हैं। चलिए तो इस वीडियो में हमने जाना कि नल लेआउट का यूज़ क्यों करते। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और इस अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर लें, ताकि जितने भी मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन हैं वो आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। गुड बाय।